हम सब आपके समक्ष इस कविता को शुरू करते हैं। प्रकृति बच्चों, आपने तो इस कविता को बड़े ही सुंदर ढंग से गाया। अब आप में से क्या कोई मुझे बताएगा कि इस कविता को गाने से आपको क्या शिक्षा मिली? अध्यापिका जी, मैं बताऊं? हाँ जी माधवन, आप बताइए। अध्यापिका जी, जैसे सूरज बिना किसी स्वार्थ से हमारी सहायता करता है, वैसे ही हमको लोगों की भी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बैठ जाइए माधवन। क्या इसके अलावा हमें और भी कोई शिक्षा मिलती है? जी, मैं बताऊं? हाँ जी देवांश, आप बताइए। जैसे सूरज हमेशा समय पर निकलता है, वैसे ही हमें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो हमें सूरज से शिक्षा मिली, इस कविता को हमने पढ़ा, क्या हमें कोई और भी शिक्षा मिलती है? जी, मैं बताऊं? हाँ जी अन्वी, आप बताइए। ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा, ये तो रही शिक्षा की बात, क्या इसके अलावा हमें व्याकरण के भी कुछ उपविषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है? अध्यापिका जी, क्या मैं बताऊं? हाँ जी नव्या, आप बताइए। अध्यापिका जी, इससे हमें विज्ञान के भी एक विषय पता चलता है, वाष्पीकरण। जैसे ही सूरज के किरण सागर के जल पर पड़ता है, ये भाप बनकर उड़ जाता है, जो कि बादल से बारिश के रूप में धरती पर बरसता है। बहुत अच्छे, इस तरह से हमारे सामने एक विज्ञान का जो उपविषय है वाष्पीकरण, उसका ज्ञान भी हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमें और किस चीज की जानकारी प्राप्त हुई है, कौन बताएगा? अध्यापिका जी, मैं बताऊं? सुरिंदर, आप किसके बारे में बताओगे? समान लय वाले शब्द। हाँ जी बताइए। जैसे उड़ता, जुड़ता, छाती, जाती, निराले, मतवाले। बहुत अच्छे, आप सबको पता ही है कि ये जो समान लय वाले शब्द होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ जी प्रीति, आप बताइए। अध्यापिका जी, समान लय वाले शब्दों का प्रयोग हम कविता के पंक्तियों के अंत में करते हैं, तभी तो हम कविता को गागर कहते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। इसके अलावा और किस चीज की जानकारी हुई हमें कविता को पढ़कर? जी मैं, अध्यापिका जी, मैं बताऊं? हाँ जी पार्थ, आप बताइए। अध्यापिका जी, इससे हमें पर्यायवाची शब्दों का पता चलता है। जी बिल्कुल सही, इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अब आप बताइए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आए हैं? जैसे पृथ्वी का धरती, और जाड़ा का सर्दी, और नित का प्रतिदिन, और कष्ट का दुख। बहुत सही, बहुत अच्छे से उत्तर दिया आपने, बैठ जाइए। इसके अलावा इसमें कुछ जोड़े वाले शब्द भी आए हैं, क्या कोई बताएगा कौन कौन से जोड़े वाले शब्द आए हैं? हाँ जी महाश्वेन, आप बताइए। जैसे
बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब आप बैठ जाइए। अब बताइए मुझे कि इस कविता में संज्ञा शब्द भी आए हैं। अब संज्ञा शब्दों के बारे में कौन बताएगा? जी मोक्षार्थी, आप बताइए। बहुत अच्छे, इनके अलावा और भी है क्या कोई संज्ञा शब्द? अध्यापिका जी मैं बताऊं? हाँ जी कृषि, आप बताइए। जैसे सूरज, फसल, खेतों। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अध्यापिका जी